एक तरफ जहां उज्जैन में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है तो वहीं बारिश के बीच शहर में जल संकट की समस्याएं गहरा गई है और प्रतिदिन पेयजल का सप्लाई करने के बजाय एक दिन छोड़कर सप्लाई किया जा रहा है। इसके पीछे नगर निगम आयुक्त ने तकनीकी कारण भी बताया है। उज्जैन जिले में जुलाई माह में काफी अच्छी बारिश हुई जिसके कारण जहां एक और गंभीर डैम लबालब हो चुका है तो वहीं दूसरी ओर जिले की नदी व तालाब भी उफान पर है। ऐसे में आज भी शहर में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जा रहा है। शहरवासी सवाल खड़ा कर रहा है कि डैम लबालब होने के बाद भी प्रतिदिन जल प्रदाय क्यों नहीं हो पा रहा है। ऐसे में नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा है कि तकनीकी कारणों के कारण वर्तमान समय में प्रतिदिन जल प्रदाय नहीं किया जा सका। डैम में मौजूद पानी में मिट्टी की मात्रा ज्यादा है जिसे साफ करने में समय लग रहा है। इसके साथ ही पंप रिपेयरिंग का कार्य भी चल रहा है। पूरे क्षेत्र में देखिए अच्छी बारिश हुई है और जो गंभीर जलाशय है जहाँ से कि शहर को जल प्रदाय किया जाता है, अभी बीते दिनों हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ पे कुछ तकनीकी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम 31 जुलाई तक पानी सप्लाई शहर में प्रतिदिन कर पाएंगे। उसके लिए कुछ तैयारियां हमें अभी करनी पड़ रही हैं, जैसे पानी में मिट्टी की मात्रा अभी ज़्यादा है, उसको कैसे सही करना है ये हम लोग कर रहे हैं। कुछ पंप्स वगैरह का रिपेयर है जो कि आने वाले सीजन के पहले हो जाना चाहिए था, वो भी हम कर रहे हैं जो एक दो दिन में कम्प्लीट हो जाएगा। तो 31 तारीख से हमारी पूरी तैयारी है कि हम प्रतिदिन जल प्रदाय कर पाएंगे। गंभीर डैम हमारा करीब 23 तारीख को फुल हो चुका है। महापौर और उनके जो भी साथी थे सब ने जा कर के भगवान का शुक्रिया भी अदा किया है, सभी पार्षदों को बुलाया भी था। पर हमारी पहले दिन से मांग थी, जब गंभीर डैम में 17 तारीख को करीब 1400 MCFT पानी आया तो हमने उसी दिन कहा था कि तत्काल उज्जैन में सप्लाई वापस प्रतिदिन का सप्लाई चालू करें, क्योंकि नगर के नागरिक लगातार पिछले 2 महीनों से टैंकरों के माध्यम से, हैंडपम्पों के माध्यम से पानी घर में लाला के थक चुके, कई परिवार में लोग बीमार हो चुके, क्योंकि शहर में ना तो पर्याप्त मात्रा में टैंकर भी पहुंच पा रहे थे ना ही हैंडपम्प रिपेयर हो पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों को पानी के लिए जाना पड़ा। मेरा ऐसा कहना है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड या उनके महापौर या उनके विधायक सांसद मंत्री क्या शहर की जनता को त्रस्त करने का इन्होंने ठेका ले रखा है? क्या किसी प्रकार का ये बदला लेना चाहते हैं? हम बार बार कह रहे हैं कि पानी प्रतिदिन सप्लाई कर दो। गंभीर डैम तो एक या दो बारिश में ओवरफ्लो हो जाता है। गंभीर डैम के अलावा भी उज्जैन में बहुत सारी नदियां हैं, आसपास की नदियां भी है, बहुत सारे सप्त सरोवर हैं हमारे पास, पानी की कोई कमी नहीं है, पर इनके पास संसाधन नहीं है। पिछले लगातार 18 वर्षों के समय में इनके द्वारा आय के मतलब पानी के स्रोतों के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई। आज भी गंभीर डैम पे जो पुरानी लाइन सिंहस 2014 में 12 में कांग्रेस पार्टी ने मतलब स्वीकृत करी थी एक्स्ट्रा लाइनें, वही लाइनों पे काम कर रहे। तो निश्चित रूप से जो 31 तारीख का जो फैसला लिया है, जब पानी गंभीर डैम पर आप रोज प्रतिदिन पानी छोड़ रहे हो पर शहर की जनता को पानी नहीं दे रहे हो, जब लाखों गैलन पानी तुम वहाँ से बहवा रहे हो पर कुछ हज़ार गैलन शहर की जनता को पानी देना नहीं चाहते, इन सब बातों को लेकर के हम लोग लगातार विरोध भी कर रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से भी कर रहे हैं और उन अधिकारियों कर्मचारियों को महापौर को लेटर लिख लिख कर भी बार बार प्रेषित कर रहे हैं। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।